हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक 2.1 का वीडियोस नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके 2.1 का वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में क्लास 12 मैथमेटिक्स का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस में हमें कहा गया है प्रूव द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 3 साइन इन बार्स एक्स इक्वल टू साइन इन बार्स 3x माइनस 4x क्यूब कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवेल माइनस हाफ कॉमा हाफ। यहाँ पर हम लोगों को प्रूव करना है 3 साइन इन बार्स एक्स इक्वल टू साइन इन बार्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहां पर हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? यहां पर फ्रेंड्स, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहां पर ये जो साइन इन बार्स एक्स है, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग अज्यूम कर लेंगे, लेट साइन इन बार्स एक्स इक्वल टू, साइन इन बार्स एक्स इक्वल टू हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर साइन इन बार्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्लास 11 में हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लिखेंगे, वी हैव साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिस इंप्लाइज साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहां पर इन प्लेस ऑफ साइन थीटा हम लोग इस एक्स को पुट कर लेंगे। सो 3 साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो ये हो गया आपका 3x, देन माइनस 4 साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इस साइन क्यूब थीटा को एक्चुअली हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा होल क्यूब। अगर साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, तो फाइनली यहां पर साइन क्यूब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो यहां पर 4 साइन क्यूब थीटा हो गया आपका 4x क्यूब। अब यहां पर देखिए, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब, इस साइन को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू ये इनवर्स होकर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दिस इंप्लाइज 3 थीटा देखिए, थीटा क्या हम लोगों ने माना था, थीटा माना था हम लोगों ने साइन इन बार्स एक्स को, तो 3 थीटा के प्लेस में हम लोग लिख लेंगे 3 साइन इन बार्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन बार्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को दिया गया था 3 साइन इन बार्स एक्स इक्वल टू साइन इन बार्स 3x माइनस 4x क्यूब शॉक करने के लिए, प्रूव करने के लिए, तो यहां पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो यहां पर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, हमें प्रूव करना है। और यहां पर x का वैल्यू दिया गया है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवेल हाफ कॉमा 1। तो यहां पर भी हम लोग इसको प्रूव करने के लिए कॉस इनवर्स x को थीटा मान लेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग अज्यूम कर लेंगे, लेट कॉस इन बार्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहां पर देखिए, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कॉस इन बार्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहां से दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अभी यहां पर फ्रेंड्स, हम लोग कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिला था, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला मिला था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, वी हैव कॉस 3 थीटा cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta
माइनस 3 कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू है आपका x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। एक्चुअली कॉस क्यूब थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा होल क्यूब, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। तो फाइनली कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू क्या हो गया, एक्स क्यूब, तो यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे एक्स क्यूब। देन माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू क्या है एक्स है, तो 3 कॉस थीटा के प्लेस में हो जाएगा आपका थ्राइस एक्स। दिस इंप्लाइज, सो दिस इंप्लाइज 3 थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस इन बार्स 4 एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स। दिस इंप्लाइज 3, अब थीटा, थीटा क्या है, देखिए थीटा हम लोगों ने कॉस इन बार्स एक्स माना था, तो थीटा के प्लेस में यहां पर हम लोग लिख लेंगे कॉस इन बार्स एक्स। सो 3 कॉस इन बार्स एक्स इक्वल टू कॉस इन बार्स 4 एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है हम लोगों को प्रूव करना है 10 इनवर्स 2 बाई 11 प्लस 10 इनवर्स 7 बाई 24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाई 2। तो इसको प्रूव करने के लिए यहां पर आप लोगों को एक फॉर्मूला यहां पर याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या है आप लोगों को यहां पर बुक में मिल जाएगा, फॉर्मूला नंबर 5 का रोमन 1। देखिए फॉर्मूला क्या है, रोमन 1 में यहां पर दिया गया है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। सो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है आपका 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये फॉर्मूला हम लोग तब लगा सकते हैं अगर प्रोडक्ट एक्स वाई लेस देन 1 हो, अगर प्रोडक्ट एक्स वाई लेस देन 1 नहीं हो तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते। तो यहां पर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है आपका 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ऊपर में एक्स माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स वाई। अब ये फॉर्मूला हम लोग तब लगा सकते हैं अगर प्रोडक्ट एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 हो। और एक फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला है आपका 2 10 इनवर्स एक्स। तो 2 10 इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग 10 इनवर्स लिखे तो 2 10 इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ 10 इनवर्स फॉर्मूला हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। अभी यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को रोमन 1 में जो फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं रोमन 1 का फॉर्मूला यूज करके। यहां पर हम लोगों को दिया गया है 10 इनवर्स 2 बाई 11 देन प्लस 10 इनवर्स 7 बाई 24 का वैल्यू। यहां पर हम लोगों को 10 इनवर्स हाफ प्रूव करना है। तो यहां पर लेफ्ट साइड में हम लोग 10 इनवर्स को हम लोग x मान लेते हैं और इसको हम लोग y मान लेते हैं, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका 10 इनवर्स x प्लस y, ऊपर में क्या है x प्लस y मतलब 2 बाई 11 प्लस 7 बाई 24, और नीचे क्या है, नीचे है आपका 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1 माइनस 2 बाई 11 इंटू 7 बाई 24। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर लगा दिया, 10 इनवर्स x प्लस वाई मतलब 2 बाई 11 प्लस 7 बाई 24 बाई 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1 माइनस 2 बाई 11 इंटू 7 बाई 24। दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए ऊपर में हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा आपका 11 इंटू 24, यहां पर एलसीएम हो जाएगा। अब यहां पर 11 से इसको डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, 24 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 24 से इसको डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, 11 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका 77। अब नीचे आइए, नीचे इसी तरह हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 24 एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका 11 इंटू 24 और माइनस 11 इंटू 24 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 7 तो यहां पर हो जाएगा आपका 14। अब देखिए 11 इंटू 24 11 इंटू 24 कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अब ऊपर में देखिए 48 प्लस 77 तो 48 प्लस 77 यहां पर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 15 कैरी में 1 देन 7 प्लस 4 11 11 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 12। तो ऊपर में हो गया आपका 125 और नीचे देखिए 11 इंटू 24 अब 11 इंटू 24 आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना होगा, देखिए 11 इंटू 24 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 264। सो नीचे हो जाएगा आपका 264 और माइनस में 14 दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अब ऊपर में है आपका 125 और नीचे देखिए 264 माइनस
14 करना है, तो 264 माइनस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250। अब यहां पर देखिए आप लोग कैंसिल देंगे तो यह आ जाएगा आपका 125 से, जब आप लोग यहां पर कैंसिल देंगे तो यह 2 टाइम्स जाएगा, 125 ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फाइनली इसका आंसर आ गया 10 इन बार्स 1/2, और हम लोगों को यहां पर 10 इन बार्स 1/2 प्रूफ करना था, तो यहां पर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल टू 10 इनवर्स 31/14 हम लोगों को शो करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को पहले तो दिया गया है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17 हम लोगों को प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स 2 10 इनवर्स 1/2, पहले तो इसको हम लोग 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 10 इनवर्स x, इसको आप x मान ले तो 2 10 इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ 10 इनवर्स, देखिए एक फार्मूला है, ये जो फार्मूला है इस फार्मूला को हम लोग पहले लगाएंगे। तो इस फार्मूला को अगर हम लोग यहां पर लगाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 10 इनवर्स, ऊपर में देखिए ऊपर में क्या है ट्वाइस x, तो 2 इंटू x मतलब यहां पर क्या है हाफ, तो 2 इंटू हाफ, और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, एक्स मतलब है आपका हाफ, तो 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 1/7, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स ऊपर में 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका 1, और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4, तो 1/3/4 हो गया प्लस 10 इनवर्स 1/7, दिस इज इक्वल टू, तो अल्टीमेटली ये जो 10 इनवर्स 1/3/4 है ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा आपका 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अभी यहां पर हम लोग 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y फॉर्मूला मतलब रोमन 1 में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगाएंगे। तो अभी यहां पर रोमन 1 का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, तो देखिए दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इसको आप लोग x मान ले और इसको आप लोग y मान ले, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y ऊपर में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस x बाई y, माने 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अब यहां पर ऊपर में और नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा आपका 21, तो 3 से 21 को डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 7, 7 इंटू 4 28 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 21 को तो हो जाएगा आपका 3, 3 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 3, और नीचे यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21, तो यहां पर हो जाएगा आपका 21 माइनस 4, 21 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर आ रहा है देखिए 10 इनवर्स ऊपर में 28 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31, और नीचे 21 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17, तो ये हो गया आपका देखिए राइट साइड में 10 इनवर्स 31/17 हम लोगों को प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने यहां पर प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ ही फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर ले, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।